कितना छोटा छोटा होता है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी भी एक लड़का मेरे पास में आया, उसकी शादी होने वाली थी तो उसके फियांसी के साथ में वो डेटिंग करने गया, नाइट करने के लिए, नाइट आउट करने के लिए गया। वो जो लड़की उसकी जो पत्नी होने वाली थी वो पहले रिलेशनशिप में थी, उसको एक्सपीरियंस था, उसने बताया था। जैसे फर्स्ट नाइट में वो पास में आए तो उसने बता दिया वो लड़की ने कि तेरा छोटा है, और ये एकदम उसको शॉक बढ़ गया ऐसा उसने बोला, क्योंकि इसका पहला ही टाइम था। और उसने बोल दिया लड़की ने कि तेरा छोटा है, और सेक्स होने के बाद बोले मुझे मज़ा ही नहीं आया और तू मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, तुम कॉन्टैक्ट करो डॉक्टर को। और वो मेरे पास में आया। अब देखिए कि जो लड़की पहले 3 साल रिलेशनशिप में थी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप का, इंटीमेसी का, सेक्स का, और ये जो लड़का है जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार वो उसके साथ में आया और वो लड़की बोलती कि तेरा छोटा है और तू डॉक्टर से कंसल्ट कर क्योंकि तेरा जल्दी गिर गया, मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिला नहीं। ऐसे कितने सारे लड़के हैं कि जिनको लड़कियां बोल देती हैं कि तेरा छोटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसबिलीव्स इसके बारे में, गलत फहमियाँ इसके बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जब वो सेक्स करता है लड़का, तो उसका जल्दी गिर जाने के बाद में उसको मज़ा ही नहीं आता है। औरत को जब मज़ा नहीं आता है तो फिर वो कंप्लेन करने लगती है कि तेरा छोटा है, समाधान नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, जो भी कुछ तभी, और फिर प्रॉब्लम चालू हो जाते। एक्चुअली छोटा रहता ही नहीं। देखिए, औरत का जो वजाना है, यूनि जो है, उसकी डेप्थ जो है, लंबाई जो है, वो 4 से 6 इंच रहती है, और बाहरी 1.5-2 इंच का जो हिस्सा रहता है बाहर का, उसका बाहर का जो अंदर है वो नहीं, बाहर का, उसमें नर्व एंडिंग रहती है और वो सेंसिटिव रहता है। मतलब पेनिस यदि अंदर डाल दिया और औरत को पूछा कि लंबाई कितनी है तो बोलेंगे 2 इंच, क्योंकि उसको 2 इंच का ही सेंसेशन होता है। वो 6 इंच भी रहा तभी उसको पूछा कि भाई कितना है तो बोलेंगे 2 इंच। इसका मतलब क्या है कि अंदर कितना जा रहा है उसको महत्व ही नहीं है, कि उसको समझता ही नहीं। मगर आप बार बार पूछेंगे, मज़ा आ गया, ठीक हो गया, लंबा है, साइज बराबर है, तो बोलेंगे नहीं, समझता ही नहीं, कुछ तो भी बोल देंगे। एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में लंबाई जो रहती है पेनिस की वो 9 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली रहती है, मतलब 3.3 इंच अप्रॉक्सीमेटली, और जब इरेक्ट हो जाता है तब 13 सेंटीमीटर, मतलब 5.12 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली। 15,000 लोगों की स्टडी करने के बाद में ये साइज सामने आए, ये लंबाई सामने आई, और गोलाई भी उतनी रहती, जितनी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली उतनी गोलाई है, गोल सरकमफरेंस। तो सवाल ये आता है फिर कि जब इसके नीचे का साइज जो है वो छोटा है, ऐसा नहीं है, ये एवरेज देखा, एवरेज में है। हाँ, 1.5-2 इंच, मतलब 1.5 इंच से भी कम है आफ्टर इरेक्शन, मतलब कठोर होने के बाद में यदि पेनिस की लंबाई 1.5 इंच से भी छोटी है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, और जब ढीला है तो 1 इंच से भी कम है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखना पड़ेगा कि भाई इतनी लंबाई कम क्यों है, फिर टेस्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज यदि 2.5 इंच है, 3 इंच है इरेक्शन होने के बाद में, तो डॉक्टर बताने जरूरत नहीं है। क्या होता है कि समझो छोटा है, अभी कुछ लोगों का, मतलब 1,000 लोगों में 7 लोगों का लंबा रहता है, 7 इंच से, 7 इंच से लंबा 7 लोगों का। इसका मतलब जब आपने कभी किसी का देख लिया, कॉमन टॉयलेट में देखा या पॉर्न मूवीज में देखा कि भाई उसका लंबा है 8 इंच है, 9 इंच है, तो हो सकता है कि आपको लगेगा मेरा छोटा है। मेरा छोटा है तो दिमाग में, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे पॉर्न के साथ में। पॉर्न में तो वही लोग लिए जाते हैं, वह एक्ट्रेस है, एक्ट्रेसेस है, उनको पैसा मिलता है, चिल्लाने का, चीखने का, आहों करने का पैसा मिलता है। लंबाई जिसकी ज़्यादा है उसको लिया जाता है, बोला जाता है कि देखो इसने दवाई खाई है इसके लिए इतना लंबा हो गया। तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, लंबाई का महत्व है नहीं सेटिस्फाई करने के लिए, समाधान संतोष करने के लिए। महत्व क्या क्या है? महत्व है कि भाई फोर प्ले आप कर रहे, इंटरकोर्स कर रहे, आफ्टर प्ले कर रहे, और फोर प्ले में जितना ज़्यादा मज़ा औरत को आता है उतना ज़्यादा सेक्स में भी नहीं आता। फोर प्ले में आप माउथ और हाथ, मुंह का और हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा करो जितना चाहिए उतना। हाथ से आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, हाथ से आप फिंगरिंग कर सकते हैं, हाथ से ब्रेस्ट प्रेस कर सकते हैं,
हाथ से हगिंग किसिंग सब मतलब कर सकते हैं हाथ से, और मुंह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना करना चाहिए उतना। कभी कभी लाइक माउथ इंटरकोर्स होता है, ओरल इंटरकोर्स, तो वही ओरल इंटरकोर्स कर सकते हैं, किसिंग है, हगिंग है, बाइटिंग है, जो भी करना है वो, तो फिर वो सब करते हैं तो उसमें औरत को ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन इंटरकोर्स। आफ्टर प्ले जो है वो भी करना जरूरी है। इसलिए क्या होता है कि एक बार वीर्य स्खलन हो गया तो आदमी बाजू हो जाता है और सो जाता है, तो ऐसा ना करते हुए वीर्य स्खलन होने के बाद में भी आप उसके साथ में हो, बातचीत कर रहे हो, गप्पे मार रहे, तो उसको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे निग्लेक्ट किया गया, मेरा वापर किया गया। तो लंबाई का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, समझो आपका छोटा है, आप समझ के चलो चलो 7 इंच नहीं है भी छोटा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिसका लंबा है 7 इंच से ज़्यादा उसको अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबाई जो भजाना है कि वो 6 इंच ही है। अब ज़्यादा लंबा है समझो आपका 7 इंच है तो क्या होगा, अंदर वो हड्डी को ठोकेगा, हड्डी को उसका मतलब ये हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा हड्डी के साथ में, तकलीफ हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबा भी ठीक नहीं है, ज़्यादा लंबा रहे तो पूरा अंदर डाल नहीं सकते। समझो छोटा है तो उसके लिए क्या करें, तो छोटा है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते कि डेटिंग में ही या रिलेशनशिप में आने के पहले ही, अभी आजकल तो इतना फ्री हो गया, अभी इधर कितना लंबा है वगैरह पूछ लेती है तो बता देते, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फर्स्ट नाइट में इंटीमेट होते हैं या पहली टाइम जब इंटीमेट होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फोर प्ले करते हैं, उसको समाधान देते हैं, संतोष देते हैं, तो फिर वो देखेंगे भी नहीं कि आपका कितना लंबा है कितना छोटा है। तो वो करना ज़रूरी है, हाथ का और मुंह का पूरा इस्तेमाल करना, फोर प्ले करना, चर्चा करके उसको बताना क्या है क्या नहीं, तो मतलब बिना चर्चा का बस कुछ तो भी चुप रहा, उसने कुछ बोला आपने कुछ बोला नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहली नाइट, फर्स्ट नाइट सोने के पहले कभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाद में बता सकते हैं। और लंबाई एक्चुअली मैटर करती नहीं है समाधान में, गोलाई मैटर करती नहीं है समाधान में। हाँ लंबा है तो है, मगर ज़्यादा लंबा करके भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी मैंने फिर से बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 9 सेंटीमीटर जब ढीला है तो, 13 सेंटीमीटर जब टाइट है तो, 9 और 13 सेंटीमीटर ये नॉर्मली मतलब इंचेस में आप देखें तो 3.3 इंच अप्रॉक्सीमेटली फ्लैसिड है तो, और 5.12 इंचेस जब टाइट है तो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। आज ऐसे बहुत लाखों लोग हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरी साइज छोटी है, मैं छोटा हूँ, मतलब मेरा छोटा है, तो ऐसे इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।